जी हाँ, इससे पहले कि हम इंडिया का सवाल कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त आ रही है दो बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, रैलियों पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। राजनीतिक पार्टियां अभी 7 दिन और नहीं कर पाएंगी रैलियां, सार्वजनिक सड़कों पर चौराहों पर नुक्कड़ सभा करने पर भी रोक, इस वक्त की बड़ी खबर। डोर टू डोर कैंपेन करने की अनुमति, अपनी पुरानी रोक को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग ने फिर एक बार जो प्रतिबंध पहले लगाए थे उसे बरकरार रखा है आने वाले और 7 दिनों के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, कल लखनऊ में हुए भीड़ के नज़ारे को देख चुनाव आयोग हुआ सजग, जिसके तहत जो पाबंदियां पहले लगी थी, जिस दिन तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद वो पाबंदियों को 7 दिन के लिए और चुनाव आयोग ने बढ़ाया, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, ये तो रही पहली बड़ी खबर, आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की दूसरी सूची जारी, दूसरी सूची में 7 प्रत्याशी आरएलडी के घोषित, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की दूसरी सूची जारी, जिसमें 7 प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के। दो बड़ी खबरों के बाद, जी हां, उत्तर प्रदेश की दो बड़ी खबरों के बाद आइए बढ़ते हैं अपनी बहस और अपने डिबेट की ओर। जी हां, एक कहावत है ना, ये जुमला कह दें, आग लगे बस्ती में हम तो हैं चुनावी मस्ती में। लखनऊ में कल कोरोना काल में जो भीड़ का नजारा दिखा, ये कोरोना विस्फोट पैदा नहीं करेगा तो और क्या। जी हां, संभावित गुंजाइश, लेकिन संभावित गुंजाइश को नेताओं ने दरकिनार किया। वर्चुअल नहीं, हम तो रियल पर विश्वास करते हैं। नेताओं को सजा नहीं, जिसने रोका नहीं वो पाया दंड, जिसको लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। भीड़ और कोरोना का गहरा रिश्ता है, जहां जहां भीड़ होती है वहां वहां कोरोना चल पड़ता है, खतरा ज्यादा हो जाता है। ये बेहद आसान सा कनेक्शन है जो किसी को भी समझ आ जाए। 2 साल से हम इसे भोग रहे हैं, बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां भीड़ जुटाने से बाज नहीं आ रही। वर्चुअल रैली के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ जुटाई जाने लगी है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे घाटा नेताजी का तो नहीं है, क्योंकि वो तो रैली करके चलते बनते हैं और नब जाते हैं कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी। पार्टियों की मनमानी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक जारी रखने का फैसला भी किया। जी हां, ब्रेकिंग खबर मैंने आपको सुनाई, इस पर अपने मेहमानों से बात करें, उनकी राय लें और बहस करें। उससे पहले आप देखिए न्यूज इंडिया का इंडिया की सवाल की ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में भारी हुजूम उमड़ा, कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ना किसी नेता ने मास्क पहना, ना किसी कार्यकर्ता ने, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भूल ही जाइए। राजधानी लखनऊ में आयोजित सपा की वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया। मंच पर मौजूद एक एक शख्स को ध्यान से देखें तो किसी के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आता, और सोशल डिस्टेंसिंग तो मजाक बन गया है, जिसके बाद अन्य दलों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में समाजवादी पार्टी मुश्किलों में घिरती दिखी, समाजवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, करीब 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी एक्शन किया है। चुनाव आयोग ने गौतम पल्ली इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो नेताजी पर। इन नेताओं पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई जो खुलेआम मंच से हुंकार भर रहे थे,
और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मामले में एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नियमों का उल्लंघन तो नेताजी ने भी किया था, फिर उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं? उन कार्यकर्ताओं पर ही गाज क्यों जो नेताजी की रैली में आए थे? पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि किसी भी रैली और रोड शो का आयोजन नहीं होगा। साइकिल, बाइक और पदयात्रा पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग के सियासी दलों को साफ निर्देश है कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली या डिजिटल रैली पर जोर दें, मगर इन सियासी सूरमाओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगती नजर आती। अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग बढ़ते कोरोना के बीच चुनाव के लिए कौन सी नई गाइडलाइंस जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, हमें क्या लेना देना, चुनाव करवाना तो चुनाव आयोग का काम है। ये टेंशन चुनाव आयोग का है, हमें तो चुनाव लड़ना है। इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ सुप्रिया सत्तम, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुप्रिया जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस के नेता। अनुज अत्रे हमारे साथ हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर किससे पूछूं, क्योंकि सभी कुल मिला के आसपास ही दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा कीर्ति निधि पांडे जी के पास। कीर्ति जी, आज अखिलेश जी को याद आया जब एसएचओ पर कार्रवाई हुई, हजारों कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई, तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा कि कोई भी काम करें वर्चुअली करें, वर्चुअली जो होना चाहिए, जो कोरोना की गाइडलाइन और मापदंड है उसके तहत होना चाहिए। मैं जी बीजेपी प्रवक्ता हूं। जी जी, आप बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे बोल रहा, कट गया था जी। अशोक पांडे जी, मैंने आपको आपको आमंत्रित किया इस पैनल पर और आपके नाम का मैंने संबोधन भी किया है। अशोक जी आप बने रहें, आवाज आ रही है अशोक जी? जी अशोक जी का दोबारा फोन कनेक्शन कट गया है। तो मैं ये कह रहा था कीर्ति निधि पांडे जी, मेरा सवाल आपसे है कि अखिलेश जी ने आज जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने कहा कि हम जो भी करेंगे वो कोरोना गाइडलाइन और चुनाव आयोग ने जो कहा है उसके तहत करेंगे। उसके कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग ने 7 दिन के लिए और प्रतिबंध बढ़ा दिया। चुनाव आयोग ने तो ये 7 दिन पहले भी कहा था कि आखिर कोरोना की गाइडलाइन क्या है। तो ऐसी बड़ी चूक, ये सब जानते हैं ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है, ये जानते हुए कि सब कुछ पीछे लिखा हुआ है वर्चुअल प्रेस वार्ता, लेकिन हमें तो रियल में विश्वास है। कीर्ति जी, में कहा है और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वो अपने अपने जनपदों में, अपने अपने विधानसभाओं में, अपने गांवों में रहें और लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए, चुनाव के निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के चार प्रसार का काम करें। और कल जो भीड़ आई थी, जिस भीड़ की लगातार चर्चा हो रही है मनीष जी, मैं एक बात कह सकता हूं कि भीड़, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आज अपने प्रेस वार्ता में कहा कि भीड़ बुलाई नहीं गई। भीड़, जिन नेताओं को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना था उनके पीछे इतनी भीड़ आ गई और वहां ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन एक दो बातें मनीष जी बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस मंदिर के महंत, जिस गोरक्षपीठ के महंत है, वहां खिचड़ी का मेला लगता, और कल से आज तक कम से कम 5 लाख लोग खिचड़ी चढ़ाएंगे उस मंदिर में, उनके खिलाफ कार्रवाई चुनाव क्यों नहीं करते? इलाहाबाद के अंदर जिस गंगा स्नान हो रहा है, जहां गंगा का स्नान हो, जहां लाखों लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, उस पर रोक क्यों नहीं लगा जिस तरीके से उत्तराखंड के हरिद्वार में रोक लगाया गया? इन लोगों के खिलाफ चुनाव कार्रवाई कब करेगी? गोरखपुर के जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इलाहाबाद के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों पर कार्रवाई केवल समाजवादी पार्टी पर होगी?
या भारतीय जनता पार्टी उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? यह चुनाव क्यों नहीं तय करते जी? ये तय नहीं करते, लेकिन ये अधिकार भी नहीं होता कि एक कर रहा है इसलिए हम भी करें। कीर्ति जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी हाँ, इसी कीर्ति के लिए नेता जब अपने कार्यकर्ताओं को देखकर खुश हो जाता है, जी हाँ, छाती सीना फूल जाता है कि इतने सारे कार्यकर्ता रैली में आए, तो मुझे ऐसा लगता है उसे अपनी कीर्ति का एहसास होता है। कीर्ति जी, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हैं। अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है, किया धरा नेताओं ने भुगते वर्दीधारी, आखिर उस एक एसएचओ की क्या गलती थी, क्या गुनाह था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? और जैसे अभी कीर्ति जी कह रहे हैं कि आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, चार उंगली आपकी तरफ भी आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेके एक मानदंड तय किया, स्वास्थ्य विभाग ने तय किया, फिर स्वास्थ्य संगठन ने तय किया। निश्चित तौर पे कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। ओमिक्रॉन का रूप लेके निश्चित तौर पे तेजी के साथ फैल रही है। ये दुर्भाग्यजनक है कि कल समाज खुलेआम, आपने देखा समाजवादी पार्टी की जो वर्चुअल रैली हुई उसमें खुलेआम धज्जियां उड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी से लोगों को यही उम्मीद है। जब हम वैक्सीन लगा रहे थे तो अखिलेश जी कह रहे थे वैक्सीन मत लगवाओ भैया, हम आएंगे तो वैक्सीन बनाए लगाएंगे, उनके पिताजी लगा लिए। एक तो हमेशा इसकी धज्जियां उड़ाते हैं, इनसे कोई यही उम्मीद है? मेरा ये मानना है, कोई दल हो, चुनाव आयोग किसी दल का नहीं है। चुनाव आयोग का तो काम है ईमानदारी से चुनाव कराना, पारदर्शिता के आधार पर चुनाव कराना, प्रोटोकॉल का पालन कराना। निश्चित तौर पर जो भी दंडनीय है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राय साहब जो डॉक्टर हैं, उन्होंने अभिषेक राय जी, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसी बीमारी है कोरोना, इससे कोई मर नहीं रहा है। यानी उन्होंने भी इनडायरेक्ट इस बात को कहा कि नहीं, आप भीड़ बढ़ाइए, इस बार मौत नहीं हो रही है, होने दीजिए। तब मैंने उनसे कहा था, डॉक्टर साहब आप भी वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश जी ने कहा था कि मत लगाओ। मेरा ये मानना है, हमने तो अपनी बड़ी रैली को स्थगित कर दिया, 9 जनवरी को मोदी जी लखनऊ में भाषण करने वाले थे, हमने स्थगित कर दिया। हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे स्वामी नहीं है, हमारे लिए जनता स्वामी है, इसके साथ चिंता हमें होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मंदिर के महंत था, 2-3 लाख लोगों ने खिचड़ी चढ़ाया, वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हुआ क्या? देखिए, आप देखने नहीं गए थे, और मेरा मानना है चुनाव से संबंधित नहीं है, पूरे देश में हम रहते हैं पर खिचड़ी बटी है। पांडे जी, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, प्रोटोकॉल का पालन हुआ हर जगह, अब जाके देख लीजिए। गोरखपुर में हूँ मैं जी। मुझे ऐसा लगता है कीर्ति जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका आप हवाला दे रहे हैं खिचड़ी का जो आप हवाला दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेताओं को ये लगता है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है उसका पालन होना चाहिए, तो अगर कोरोना काल में आप भीड़ जुटा रहे हैं, तो जैसे खिचड़ी के लिए कहावत है, खिचड़ी के चार यार घी पापड़ दही अचार, तो भीड़ के चार यार आप क्यों नहीं दिखाए? सामाजिक दूरी, मास्क है जरूरी, और इसके साथ सैनिटाइजर भी जरूरी, ये क्यों नहीं दिखाया आप लोग? कीर्ति जी। जी मनीष जी, मैं कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को बराबर भाव से देखना चाहिए। मैं तो जो सवाल खड़ा किया, क्या वो सवाल गलत है? उनको अनुमति है, उत्तराखंड के अंदर भी इनकी सरकार है, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने अगर वहां के स्नान पर प्रतिबंध लगाया तो इलाहाबाद में भी प्रतिबंध लग सकता था, गोरखपीठ के उस मंदिर पर भी प्रतिबंध लग गया था, वहां भी खिचड़ी नहीं चढ़ती, आज लाखों लाख लोग इकट्ठा होते हैं वहां, और कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं। जी तो चुनाव से मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो।
जी कीर्ति जी, कीर्ति जी लंबी लंबी बातें उसको पांडे जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जी कीर्ति जी, कीर्ति जी हमें जरूरी यह है कि अपनी जनता जनार्दन का ख्याल रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी यही कहा था कि हम चाहते हैं कि ये चुनाव तो हो, 5 प्रदेश के 690 सीटों के लिए चुनाव तो हो, लेकिन सुरक्षित चुनाव हो। उसी के तहत चुनाव आयोग ने फिर एक बार कल का नजारा देखने के बाद जो समीक्षा की बात की थी, वो चुनाव आयोग ने आज फिर 7 दिन के लिए बढ़ा दी समीक्षा की, और कहा अगर सियासी दलों का ऐसा नजारा होगा तो लगता नहीं कि कोरोना पर हम किसी तरह से काबू पा पाएंगे। हमारे साथ अनुज अत्रे जी हैं। अनुज जी, ये कैसा न्याय, ये कैसा न्याय कि हजारों कार्यकर्ताओं पर FIR और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने के लिए जो नेता मंच पर थे उसके लिए अभी जांच चल रही है कि आखिर कौन कौन जिम्मेदार है। ये एक नहीं, मैं समाजवादी पार्टी अकेले के लिए नहीं कह रहा, कई ऐसे सियासी दफ्तर है जहां पर टिकट पाने के लिए हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता बाहर जमावड़ा बनाए खड़े हुए हैं। आज ही सुबह की बात है, भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी, हम उनके भी सैकड़ों कार्यकर्ता आए तो कल से नजीर लेते हुए पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के लिए होती है, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं। पार्टी इस देश में ऐसी पहली पार्टी है जिसने चुनाव आयोग के निर्देशों से पहले ही प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने तत्काल अपनी जो है, जैसे ही कोविड के केसेस देश में बढ़ने शुरू हुए तो कार्यकर्ताओं की, जनता की सेहत का ध्यान रखते हुए राजनीति को सेकंड उसमें प्रायोरिटी में रखा और अपनी रैलियां स्थगित कर दी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से एक मापदंड देखते हुए दूसरी पार्टियों को भी मानना चाहिए था, लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इस समय देखा गया है तो जो सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का जिन्होंने बीड़ा ले रखा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, लेकिन उनके ऊपर भी कोई प्रश्न लगाने वाला नहीं है, क्योंकि प्रश्न कौन लगाए जब सैया, जब सैया, जब सैया भय कोतवाल, यहाँ तो सुन लीजिए आप, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आपने तो रैलियां बाद में बंद करी हैं, लेकिन उससे पहले आपको नहीं मालूम था कि इस देश में केसेस फैल रहे हैं? देश में कोरोना लाने वाले ही आप लोग हैं। पहले राहुल गांधी जी ने भारत सरकार को तभी चेता दिया था, लेकिन तब से ही आपने नमस्ते ट्रंप करके जिस तरह से रैलियों में भीड़ जुटाई, उसका आज तक कोरोना 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 एक ऐसी महामारी है। मुझे ऐसा कहना है आपके इस बयान से मुझे आपत्ति है कि कोरोना किसी ने लाया, जानते हुए कोई भी इस तरह के कोरोना को अपने देश की सीमा में घुसने नहीं दे सकता। ये वो बहरूपिया कोरोना है जो नहीं नहीं अनुज जी आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कोरोना कोई सियासी दल या नेता लाता है, कोरोना खुद ब खुद आ जाता है। कोरोना को सीमा पर खड़ा प्रहरी भी नहीं रोक सकता, ये बहरूपिया है, ये बहरूपिया की तरह आता है और आप पर और हम पर हमला करता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम सब इसकी प्रतिरोधक जो तमाम नियम है उसका पालन करें। अनुज जी अपनी बात पूरी करें आप। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि इनकी लापरवाही की वजह से हमारे देश के अंदर वो आराम से आ सका, क्योंकि उस समय भी ये नमस्ते ट्रंप में व्यस्त है जब पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी जी ने इनको चेता दिया था कि कोरोना की दस्तक हमारे देश में आ रही है, ध्यान रखिए। एक तो सबसे ज्यादा कोरोना तो ये यही फैला रहे हैं आपकी डिबेट में, जरा इन्हें बोलियो यहाँ तो मत कोरोना फैलाएं, ये कोरोना स्प्रेडर कोरोना बॉम्ब जो यहाँ बनकर के शोर मचा रहे हैं, सुन लीजिए आप, ये वायरस मत फैलाइए यहाँ पर अपना, ये भाजपा का वायरस यहाँ पर मत फैलाइए। इंडिया के दर्शक बहुत समझदार दर्शक है, उनको अपने खतरे से दूर रखिए आप, हमारी बात पहुंचने दीजिए, सकारात्मक बात पहुंचाने का समय है। सरकार ने लगाया देश में और उत्तर प्रदेश की जनता को सकारात्मक बातों की आवश्यकता है, आप जैसे नकारात्मक लोगों की बातें उन तक नहीं जानी चाहिए, कृपया शांत हो जाइए, देश में पॉजिटिव वाइब्स की जरूरत है, पॉजिटिव ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा देख चुकी है प्रदेश की जनता, जो आप 5 साल बाद अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं, तो आपकी तो उपलब्धि ये है कि अमेरिका का तो आप सड़कें दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के तो आप पुल दिखा रहे हैं, राजस्थान में लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा जाति हो रही है उसको क्यों नहीं दिखाते, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट दिखाते हैं, आपको चाइना के एयरपोर्ट क्यों दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है, अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर वन चल रहा है। सरकार थी तो सरकार है वही महिलाओं के लिए अपराध, हमने तो
अनुजी मेरी बहस, मेरी बहस, इंडिया का सवाल का मुद्दा, इंडिया का सवाल का आज का मुद्दा ये नहीं है कि आखिर किस राज्य में कितना अपराध है। आज का जो मुद्दा है वो ये कि आखिर पक्षपात पूर्ण रवैये से कार्रवाई अगर हुई तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर हमारी चर्चा है। और आखिर भीड़ जो इकट्ठा होती है, ये इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार कौन, भीड़ को नियंत्रण करना किसका काम। जी हाँ, इस पर आगे बढ़ते हैं। अनुज जी आप बने रहे, जवाब दे रहा था जी। लेकिन ये जिस तरह से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, फैलता है, उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने वायरस फैलाना शुरू कर दिया। चर्चा को डिरेल करने का इन्होंने काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं तो सीधा सीधा पॉजिटिव बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ की जरा इनको बोलेंगे। अनुज जी जो मैं स्क्रीन पर देखकर जो मैं समझ पा रहा हूँ, अशोक पांडे जी वयोवृद्ध नेता हैं और आपके नाम में अनुज है, तो मुझे ऐसा लगता है शब्दों की गरिमा का ध्यान रखते हुए, देखिए हाथ जोड़ के बहुत सम्मान, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखते हुए अनुज जी आप तो इतने विदुषी व्यक्ति हैं, स्क्रीन पर शब्दों की गरिमा बनी रहे और व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। अनुज जी मैं पांडे जी का उम्र का सम्मान करता हूँ। अनुज जी मैं आता हूँ आपके पास, अनुज जी हमारे साथ इस पैनल में एक महिला राजनीतिक विश्लेषक है, सुप्रिया सत्यम। सुप्रिया, सचेत, सजग, सुरक्षित चुनाव कराना ही चुनाव आयोग ने कहा था, ये हमारा ध्येय है पांच राज्यों के लिए। लेकिन कल जो भीड़ जुटी उसके बाद सबके हाथ पांव ठंडे हो गए कि अगर ऐसे सियासी दल भीड़ जुटाते रहे तो न जाने बचे हुए लगभग 55 दिनों में क्या नज़ारा देखने मिलेगा, जबकि कोरोना का आंकड़ा 260,000 के पार रोज पहुँच गया। मनीष जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अभी तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता को सुन रही थी और समझ रही थी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो किसी का नहीं है, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, तो ये बात तमाम राजनीतिक पार्टियों को समझनी पड़ेगी। जिस तरह से ये बचकाना बयान कि आपने खिचड़ी की तो मैंने वर्चुअल मैंने उनका वो कर दिया, हमने भीड़ बुलाई तुमने भीड़ बुलाई, जनता आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता है तभी चुनाव है, तभी लोकतंत्र है, तभी हम है और तभी आप है। तो उस जनता को बचाने का काम तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी करनी चाहिए। बंगाल में क्या हाल हुआ था ये देश को पता है। जिस तरह से अभी तक समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता, जहां भी मैं चैनल पे बैठती थी, हर बार एक सिर्फ एक ही बात की गंगा में तैरती हुई लाश और तमाम तरह की बातें, तो आज जो वो कर रहे हैं कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, तमाम जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबके लिए यही है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो किसी का कुछ नहीं जा रहा। आप देखिए ना, नेताजी पे थोड़ी ना FIR हुआ, FIR तो बेचारे पुलिस प्रशासन और उनपे हो रहा है, तो वो तो बच के निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो ये पुलिस प्रशासन है उनको ये चीज भुगतना पड़ रहा है, और खास करके जनता जो भीड़ वहां इकट्ठी की जा रही है जैसे तैसे, उनको ये भुगतना पड़ रहा है। उनको ये समझाने की बहुत अच्छी बात बोली आपने मनीष जी, जो वो पांच चीजें हैं उसकी बात जरूर होनी चाहिए कि सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें किए जा रहे हैं, तो ये बात बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग इसको हल्के में ले रहे हैं कि लोग मर नहीं रहे, तो क्या ये तमाम राजनीतिक पार्टी किसी के मरने का इंतजार कर रही है कि कोई मरे फिर ये सजग हो, फिर से हॉस्पिटल में जगह न मिले, फिर से गंगा पे वो तैरती हुई लाश मिले तो ये सजग होंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जी मनीष, इससे पहले कि हम इंडिया का सवाल की बहस की ओर आगे बढ़े, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि आखिर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल जब हजारों की संख्या में भीड़ देखी तो उन्होंने उस भीड़ से उत्साहित होकर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए, बहस आगे करते हैं। तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे। डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, और मंच के पीछे जो पर्दा होगा
उस पर ये लिखा भी होगा वर्चुअल प्रेस वार्ता। वाह रे नेता जी। आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी, जी हाँ, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया सत्यम, राजनीतिक विश्लेषक, और अनुज अत्रे हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले कीर्ति जी आपके पास आ रहा हूं। जी हाँ, अखिलेश यादव जी को आपने सुना, और मुझे लगता है कल जब वो बोल रहे थे, चूंकि इस समय लहर है, कल संक्रांति दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण हुए, लेकिन मुझे लगता है सियासी संक्रांति है, और ऐसी सूरत में आपने भी सुना होगा और अभी हमने फिर सुनाया, डिजिटल वर्चुअल तो रहेगा लेकिन हमें तो फिजिकल पसंद है, हमें तो रियल पसंद है। कीर्ति जी, कोरोना पर कैसे काबू पाएंगे आप? देखिए मनीष जी, उसको गलत सेंस में आप समझिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि डिजिटली वर्चुअली तो हम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फिजिकली भी गांव गांव घर घर जाएंगे, गांव गांव घर घर, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के तहत उनके नियमों का पालन करते हुए हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त गांव में डोर टू डोर कैंपेन करने का काम करेंगे। बाकी डिजिटली वर्चुअली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनका जो निर्देश होगा उसको वर्चुअली लोगों तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और कोरोना गाइडलाइन का और चुनाव आयोग के निर्देश का पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पालन करने का काम करेगी। यह बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जी करेंगे तो सही, लेकिन जो गलती और चूक हो गई कीर्ति जी, चिंता की बात यह है कि किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्यकर्ता और वो गरीब SHO जो वहां पर मौजूद था उस पर गाज गिरी और उसे निलंबित कर दी गया। चिंता यह है कि आखिर सियासत की आड़ में खादी के सामने वर्दी कितनी छोटी हो जाती है। जी, पहले आपसे जो सवाल पूछा, पहले आप वो भी एक सवाल, मेरी भी आस्था है मकर संक्रांति, हम लोग भी छिपली का त्यौहार मनाते हैं, और मैं उसी गोरखपुर का रहने वाला हूं जहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाला, उस मंदिर में आज, आप कल की बात कर रहे हैं, मैं आज की और वर्तमान की बात कर रहा हूं, लाखों लोगों की भीड़ जमा है, कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, चर्चा एक बार उस पर भी कर लेते, वहां से कोरोना नहीं फैलेगा। जी चर्चा सब पर है, इसलिए बीजेपी के भी प्रवक्ता है कीर्ति जी, जिस संगम में स्नान होगा वहां से कोरोना नहीं फैलेगा। कीर्ति जी मैं आपको बताता हूं, कीर्ति जी, उस मंदिर से कोरोना नहीं फैलेगा, इलाहाबाद के संगम स्नान से कोरोना नहीं फैलेगा, तो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। कीर्ति जी आप ये देखिए कि ये सारे सियासी दलों के लिए इंडिया का सवाल है, इसलिए सबको आमंत्रित किया गया है। आपने मनीष जी, आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं आ रहा हूँ कीर्ति जी, चूंकि कार्रवाई चुनाव आयोग ने, क्योंकि कार्रवाई कीर्ति जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, लाखों लाख लोग उनके मंदिर में इकट्ठा हो रहे हैं। कीर्ति जी, कार्रवाई चुनाव आयोग ने कल के कार्यक्रम को लेकर की है, आपने जो भीड़ जुटाई थी उस पर चुनाव आयोग की कार्रवाई और कार्रवाई के ऊपर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उस पर ये इंडिया का सवाल है। आपके सवाल का जवाब देने के लिए अब मेरा अगला सवाल अशोक पांडे जी से। अशोक जी, आखिर ये कैसा, सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू में एक पहलू पर ज्यादा जोर आजमाइश और दूसरे को छोड़ दिया जाए। कीर्ति जी कह रहे हैं जो गोरखपुर में हो रहा है, आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो यह पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर विपक्ष कह रहा है कि हमारी भीड़ जुटती है तो दिख जाती है, आपके कार्यालय के सामने भी हजारों गाड़ियां और कार्यकर्ता टिकट के लिए खड़े दिखाई देते हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो है नहीं, खिचड़ी का जो कार्यक्रम होता है उसका अनुपालन के साथ ही, चूंकि मुख्यमंत्री अनुपालन हो रहा है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारी पार्टी दफ्तर में कोरोना संक्रमण का जो प्रोटोकॉल है उसका पूर्ति अनुपालन हो रहा है, हमने अपनी रैली स्थगित की है, अखिलेश जी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया
कोरोना का भारतीय जनता पार्टी से समझौता है। अखिलेश यादव ने कहा नहीं, कोरोना का समाजवादी पार्टी है, इसलिए इनका कहना है प्रोटोकॉल पालन मत करो, मंदिर से मत फैलो, हमने वैक्सीन का विरोध किया, हमारे पिताजी ने हमारा कहना नहीं माना, फिजिकली मजबूत हो, आ जाओ कोरोना फैलाओ, सत्ता के लिए लड़ मर जाओ। सच्चाई से बोल रहे हैं आप। अखिलेश जी ने फिर दे दिया, आपने देखा होगा हर्ष के उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो उनकी नीयत थी उन्होंने दिखाया ये कार्यकर्ताओं। आप बताइए कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये क्यों नहीं बताते? मेरा एक गोरखपुर के खिलाफ शासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा कहना है कि आपका आरोप सनातन निराधार है, इसकी जांच होगी तभी कुछ हो सकता है। सारे चैनलों के पास भीड़ की फुटेज है, सारे चैनलों के पास भीड़ की फुटेज है, 10 लाख लोग मंदिर में खिचड़ी चढ़ा रहे हैं बिना दो गज दूरी, बिना मास्क के, बिना कोरोना प्रोटोकॉल के। पकड़े गए कोरोना संक्रमण का मजाक उड़ाते पकड़े गए, बस यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप करिए तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, यही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, यही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल से हथियार नहीं उड़ रही है, कोई बता दे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके पार्टी के है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, वो है कि नहीं है? हो रहा है क्या? मंदिरों में भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति कोरोना देता है? कोरोना प्रोटोकॉल क्या मंदिरों में भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति देता है? मंदिर में कोरोना इलाहाबाद संगम के स्नान पे भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति देता है कोरोना प्रोटोकॉल? वहाँ पालन हो रहा है, भीड़ तो भीड़ है, चाहे किसी दफ्तर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारा में हो, भीड़ तो भीड़ है। संक्रमण का अनुपालन हो रहा है वहाँ, जाके कायदे से देखिए जी, अनुपालन हो रहा है। ये सब चीख चीख कर तो कहते हैं, लेकिन जब तस्वीरें आती हैं अशोक जी तो तस्वीरें इससे विपरीत होती हैं। जी हाँ, जो आप कहते हैं वो तस्वीरें जमीन पर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं अनुज अत्रे की ओर। अनुज जी, ये लड़ाई तो अब वर्चुअल और डिजिटल है, आपकी कितनी तैयारी है? देखिए मनीष जी, जब से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, सबसे बड़े प्रदेश में जो है पूरे देश में इससे खलबली मची हुई है, क्योंकि प्रियंका जी ने जो आधी आबादी है देश की और उत्तर प्रदेश की, जो महिलाओं की जो आवाज उठाई है, तो जो कहा था वो करके दिखाया है। ये लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस पार्टी इतनी सशक्त महिला उम्मीदवार कहां से लेके आई। 125 की सूची में हमने आधी देख लिया, आपने 40% से ज्यादा उसमें महिलाओं और युवाओं को जो उन्होंने तरजीह देकर के दिया है, टिकट दिया है, ऐसे ऐसे पीड़ितों को टिकट दिया है कि जो समाज में एक पीड़ित वर्ग से आती है तो जनता के सामने अपनी एक आवाज बनकर के उभरेंगी और उनकी लड़ाई हकील समाज विधानसभा में पहुंच करके लड़ेंगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की तैयारी से तमाम राजनीतिक दलों में उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस इस समय एक नए सोच के साथ आगे बढ़ रही है प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, कि किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न इन 3 दशकों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है। वोट लेने के समय सबने महिलाओं के हक की बात की, लेकिन जब उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आई, जब उनको सम्मान देने की बात आई, तो सबने अपनी बातों से मुकरा है और उसके उलट काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने जब जब जो जो कहा है वो किया है। आज उत्तर प्रदेश में तमाम जो है सारे मुद्दे इस समय जो है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे लखीमपुर खीरी केस में जिस तरह से किसानों को कुचल दिया, अजय मिश्र टैनी आज भी जो है केंद्र सरकार में अमित शाह जी के नीचे गृह राज्य मंत्री बने हुए, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उनको अपने एक प्रचारक के रूप में भी पेश करना चाहिए कि अगर जिस तरह से उनको साथ लेकर चल रहे हैं। अनुज जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब सरकार होती है तो क्या होता है, अतीत में अगर ढूंढेंगे और टटोलेंगे तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। नहीं, हम तो वर्तमान की बात करते हैं, अतीत की बात तो अतीत हो गई, अतीत में जो हुआ उसका अतीत में जनता ने उनको जवाब दिया, लेकिन वर्तमान की बात की जाएगी ताकि, क्योंकि चुनाव वर्तमान पे हो रहे हैं,
और हम चाहते हैं कि जनता के सामने कि मुझे सहनी का चेहरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी जाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें जिसमें 147 दागदार विधायक दागी विधायक इनके उत्तर प्रदेश में रहे हैं, 45% इनके विधायक अपराधी पृष्ठभूमि के रहे हैं, उसमें से आज के अपराध खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे देश के सूबे के जो है मुखिया के ऊपर चल रहे हो, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे खत्म की प्रदेश की जनता के सामने नजराना है। तो ये सबको लेकर एक सवाल मेरा है, बड़ा छोटा सा सवाल है, आपको 403 उम्मीदवार मिल गए पूरे? मनीष जी बिल्कुल मिल गए हैं, 400 में से हर सीट पे हमारे को 5-5, 6-6 ऐसे उम्मीदवार मिले हैं कि आपको देख करके आपने खुद देखा होगा कि कैसे अभी 125 की सूची आई है, इसमें भी कितनी पार्टी को जो है वो करना पड़ा है, माता पत्ती करनी पड़ेगी, ऐसे नाम लेकर के सामने आना पड़ा कि एक एक सीट के ऊपर 4-4 योग्य उम्मीदवार जो है जो चुनाव जिता सकते हैं वो सामने आए। ये हमारी भूल थी कि पिछली बार जो है जिस तरह से हम लोग दूसरों की बैसाखी के सहारे चढ़ने का सोचा और अपने अगर कंधों पर चलते तो कांग्रेस पार्टी आज बहुत सक्षम हो चुकी होती, लेकिन इंडिया का सवाल कार्यक्रम में चलिए आज आप कह दीजिए, मुझे पता है आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आज कह दीजिए कि हाँ हम शपथ लेते हैं कि हम वही करेंगे जो चुनाव आयोग कहेगा, चुनाव आयोग का टेंशन नहीं बढ़ाएंगे, हम जनता जनार्दन की बात करते हैं, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, हम शपथ खाते हैं कि जो चुनाव आयोग कहेगा वही कहेंगे। अनुज जी आज दिल पे हाथ रख के कह दीजिए। मनीष जी दिल पे हाथ रख के मैं कह रहा हूँ और आपको मैं सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने तो नजीर पेश किया उत्तर प्रदेश में, चुनाव आयोग के निर्देश के आने से पहले प्रियंका जी ने अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दी थी वहां पर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद चुनाव आयोग, और जो हमने कहा जो प्रियंका जी ने कहा, देखिए एक भी अभी तक हमारी रैली नहीं हुई, तमाम जितने भी उनके कार्यक्रम लगे हुए थे सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, क्योंकि जनता और देश की उत्तर प्रदेश की जनता हमारे कार्यकर्ताओं की सेहत उनकी जान पहले है, वोट तो जनता देगी क्योंकि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, जनता इनसे पीड़ित है। आज कांग्रेस को बताने की आवश्यकता नहीं है, आज डिजिटली जो है बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की में हर गांव तक डिजिटली सब लोग उससे वेल वर्स नहीं है, आज सब जगह इंटरनेट उस तरह से पहुंच नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस लोगों के दिल में बस रही है। लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज हुए जरूर हो गए थे, लेकिन वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, इनसे नाराज नहीं है, लोग नफरत कर रहे हैं। अनुज जी, अनुज जी ये जिम्मा हम जनता जनार्दन के हाथ में छोड़ देते हैं कि आखिर उनका दीनानाथ कौन बनेगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। सुप्रिया सत्यम, सुप्रिया जी कोरोना के नियमों का विसर्जन ये आम बात हो गई है सियासी दलों और नेताओं के लिए? बिल्कुल मनीष जी, आप देखिए ना, अभी मैं देख रही थी वीडियो जिस तरह से अखिलेश यादव बिल्कुल फॉर्म में आके और बहुत ही अस्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला कि वर्चुअल तो ठीक है लेकिन हम घर घर जाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम फिजिकली ज्यादा मजबूत है, तो देखिए जो आम जनता है वो तो नेता की बात को सुनता है, समझता है, उसके रास्ते पे चलता है, तो बात तो फिर वही हो गई ना। और आप देखिए पूरे मंच पे सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, आप सपा वाले जो प्रवक्ता बैठे उनको लग रहा होगा कि मैं एक तरफा बात कर रही हूँ, मैं खिचड़ी की भी बात कर रही हूँ, क्या खिचड़ी में उन्होंने, क्योंकि वो मैंने फुटेज और विजुअल्स नहीं देखे हैं, किसी कोई भी पार्टी हो सबको ये चीज समझना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से मंच पे खड़े होके अखिलेश यादव अपने आप में बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़ा नाम है, अगर वो खड़े होके जनता को इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं हम फिजिकली बहुत मजबूत है और हमें जाना चाहिए, तो जनता में तो यही संदेश जाता है, फिर तो भाड़ में जाए प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल, हम जाएंगे घर घर जाएंगे और कुछ नहीं हो रहा, फिर यही समाजवादी पार्टी आके यहाँ लाशें ना गिने, ये ना बताए कि लोग मर रहे हैं, मतलब वही वाली बात है जो इन्होंने बोला कि वो करे तो राज ढीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो वो चीज सेम चीज इन पे भी लागू होती है, तो ये तमाम राजनीतिक पार्टी को ये चीज समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जनता है तभी आपका अस्तित्व है, तभी आपका एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए जनता का बचाव करना इन तमाम राजनीतिक पार्टी और वो बेचारे जो प्रशासन के लोग हैं उनपे तो गाज, आपको भी पता है कि किस तरह से तंत्र काम करती है, वो बेचारा क्या करेगा जब नेता जी खड़े होके ये कह रहे हैं कि आप जाइए और फिजिकली सबसे मिलिए, तो ये तमाम वो बातें। जी सुप्रिया जी आपकी आवाज में दिक्कत है, आपका जो कनेक्शन है वो टूट गया है। आइए बढ़ते हैं कीर्ति निधि जी की तरफ। कीर्ति जी देखिए, अगर आपके सामने टीवी है तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। जी हाँ, जिस तरह से मास्क ना होना, सामाजिक दूरी ना होना, चिंता तो है, और मुझे जितना
आपके पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बारे में पता है, वो एक इंजीनियर हैं। पार्टी का एजेंडा है लैपटॉप बांटेंगे, क्योंकि जानते हैं कि डिजिटल महत्व जीवन में कैसे चारों ओर हमारे लिए बढ़ चुका है। ऐसी सूरत में अगर मंच के पीछे ये लिखा रहे कि वर्चुअल प्रेस वार्ता, तो जिनको आप लैपटॉप बांटेंगे वो क्या सीखेंगे कि नेताजी ने क्या किया था और हमें सोशली और डिजिटली क्या पढ़ा और सिखा रहे? देखिए मनीष जी, ये सही है कि हम लोग लैपटॉप बांटने का काम और डिजिटली भी समाज करने का काम और लैपटॉप काम समाजवादी पार्टी ने हमारे नेता ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजें स्पष्ट की। मनीष जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गौर कर रहा था हमारे नेता ने कहा आज की हम लोग वर्चुअली प्रचार करेंगे और फिजिकली प्रचार के लिए तो चुनाव आयोग ने भी कहा कि पांच आदमी की कमेटी प्रचार कर सकती, पांच आदमी जनसंपर्क कर सकते, डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क कर सकते। अभी तो इसी अभियान की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो भी तो फिजिकली ही जा रहे हैं डोर टू डोर। उसी का ऐलान तो फिजिकली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि फिजिकली गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क करने में भी समाजवादी पार्टी के लोग सक्षम है और प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। वर्चुअली अपने विधानसभा के उम्मीदवारों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रमुख नेताओं का जो संदेश होगा वर्चुअली गांव तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी वर्चुअली तरीके से करेगी। जी वर्चुअली करेंगे, वर्चुअली डिजिटली तो चलता रहेगा। उन्होंने कीर्ति जी एक और बात कही, फिजिकली ये हमारा जो कार्यकर्ता है वो फिजिकली, और वो किसके सामने कह रहे हैं? मैंने कीर्ति जी मेरी जितनी समझ है, मैंने जितना वर्चुअल मीडियम को समझा है उसके मुताबिक अखिलेश जी ये बातें अगर कहते और सामने महज कैमरे होते तो मान भी लेते। सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो उनके सामने कह रहे हैं, ये चिंता की बात है। कीर्ति जी, आप मनीष जी उस भावना को समझिए। मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, फिजिकली हम मजबूत हैं। हम भी तो कह रहे हैं फिजिकली समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और हमारा कार्यकर्ता गांव गांव डोर टू डोर जाएगा, जनसंपर्क करेगा। ये तो चुनाव की गाइडलाइन भी है, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करेगा, दो गज की दूरी बनाएगा, डोर टू डोर जनसंपर्क करेगा। वो तो फिजिकली ही होगा, फिजिकली होगा, लेकिन मंच देखिए, पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी देखिए। कीर्ति जी, मैं आपके नेताओं की ही खैरख्वाई की बात कर रहा हूं। आप जिस सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग भी कह रहा है, अगर आप मंच पर जो वीडियो सामने आया है, ना मास्क है ना दूरी है, तो आखिर जो इस बात को लेकर मैं इंडिया का सवाल कर रहा हूं, इसी पर मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। कीर्ति जी, मनीष जी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक एडवर्टाइजमेंट मोबाइल पे चलता रहा। जब किसी को फोन मिलाइए मोबाइल से तो आवाज आती है, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करिए, दूरी बनाइए। लेकिन उसके बाद भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की तमाम रैलियां उत्तर प्रदेश में हुई, किस रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया? एक भी रैली बताइए गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक, गाजियाबाद, जहां भी रैली की उत्तर प्रदेश के अंदर, बनारस हो, गोरखपुर हो, किन रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो जनता के टैक्स से, पैसे से बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाते थे, कहां पालन किया उन लोगों ने? जी अशोक पांडे जी, कम से कम आज इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आप ये कह दीजिए कि ऐसी कोई चूक जिसको लेकर आज हम इंडिया का सवाल कर रहे हैं और ये सवाल मूव आए खड़ा हुआ है कि रोज आंकड़े हजारों में बढ़ते जा रहे हैं, कभी 260,000, 265,000, अब आंकड़े जब जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो आप इंडिया का सवाल कार्यक्रम में अशोक जी जिस तरह से आपको सम्मानित तरीके से अनुज अत्री ने भी माना कि आप वयोवृद्ध नेता हैं, आपकी वरिष्ठता को देखते हुए उन्होंने जो कहा उस पर खेद भी प्रकट किया, आज आप इंडिया का सवाल में कह दीजिए अशोक जी कि हाँ
ऐसी कोई चूक बीजेपी नहीं करेगी। देखिए आपको बता दें कि निश्चित तौर पे बीजेपी ऐसी कोई चूक नहीं करेगी। करुणा प्रोटोकॉल का पूरा पालन अनुपालन होगा और सबसे बड़ी बात है हमने अपनी रैली को भी स्थगित किया। उस दौर में जब रैली होती थी तो उस समय सभी दलों के लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, लेकिन जब कोरोना महामारी ने अपना पांव और फैला लिया तो सभी दलों ने लगभग स्थगित किया। ये जरूर है कि अखिलेश यादव जी ने कल भीड़ देख के फिर एक बार उनका उत्साह जग गया, कहा भैया हम तो फिजिकली मजबूत है इसलिए हम लोग, इनका ही कहना था कि नहीं हम रोना करोना को कुछ नहीं मानते, हमें सत्ता प्यारी है तो उन्हें भी क्षमा मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम तो आपके सामने कह रहे हैं कि पूरे चुनाव भर भारतीय जनता पार्टी आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए मंदिरों में नहीं है। गोरखपुर के तो मंदिरों में भीड़ जुटाने की इजाजत है क्या आपको? नहीं है। मंदिरों में भीड़ जुटाने की इजाजत है आपको? वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, मंदिर में कोरोना नहीं जाएगा, मंदिर में कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सवाल का जवाब देना चाहिए अशोक पांडे जी आपको। कोरोना मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरा प्रदेश इन लोगों का समझौता है क्या आपका कोरोना से? जहाँ आप भीड़ इकट्ठा करेंगे वहाँ कोरोना नहीं जाएगा, केवल समाजवादी पार्टी के कारण से कोरोना फैलेगा। वैक्सीन बनती है तो जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप करिए स्पष्ट रूप से कि अगर मंदिर में भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्यों नहीं करते? हिम्मत क्यों नहीं ला पा रहे हैं? कार्यक्रम नहीं है, क्यों नहीं हिम्मत है आपके अंदर? कार्यक्रम नहीं है। आप अखिलेश यादव जी पे सवाल उठा रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अरे फिजिकली आओ, आप कहिए कोरोना प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, गोरखपुर के जिला प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई हो, निर्देश क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हैं? होगा कोरोना संक्रमण का। जी हाँ जी हाँ अशोक जी, अशोक जी लेकिन आपने जो मैंने आपसे सवाल किया था उस पर आपने नहीं कहा कि हाँ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ नहीं कहा अशोक जी कि जी हाँ हम भी चुनाव आयोग की एक एक गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे और रादर रादर चुनाव में अपने प्रचार प्रसार के साथ लोगों को इस बात से भी अवगत कराएंगे कोरोना सबसे बड़ी महामारी है, ये वो जंग है, जंग वो नहीं जो 5 साल बाद हम आपके दरवाजे आए हैं, इसका भी प्रचार प्रसार करने का आप लोग दृढ़ संकल्प कीजिए कि जब डोर टू डोर जाएंगे तो सबको बताएंगे कि कोरोना है, 7 चरण में यूपी में चुनाव है, अपने चरण को अगर 7 चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग यानी कि लोकतंत्र के उत्सव में इसमें आपको सहभागी होना है तो चरण संभाल के अपनी देरी के पीछे रखिए क्योंकि आपको अपने भविष्य के लिए एक चरण बाहर निकालना है, ये कह दीजिए कि आप लोग डोर टू डोर कैंपेन में कोरोना को भी शामिल करेंगे अशोक जी। ये निश्चित हम लोग शामिल कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका आयोग का हम दिशा निर्देशन का अनुपालन कर रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं और जनता से कह भी रहे हैं कि आप कोरोना से बचे रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये हम कह रहे हैं। आप अपने कैमरा मैन को किसी भी जगह पे जहाँ भाजपा कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उन्हें देख ले। हम संकल्प लेते हैं कि पूरे चुनाव भर कोरोना प्रोटोकॉल का अनुदान करें और पालन पूर्तया करेंगे, हम अखिलेश यादव जी की तरह उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। जी अशोक पांडे जी, कीर्ति निधि पांडे, सुप्रिया सत्यम, अनुज अत्रे, मैं आप चारों से एक ही इल्तिजा करूंगा। जी हाँ, आपने इंडिया का सवाल कार्यक्रम में जो संकल्प लिया, आप लोग खुद दोनों हाथ उठा के एक दूसरे के लिए ताली बजा दीजिए। आप चारों से मेरा आग्रह है, चारों अपने दोनों हाथ उठाकर एक दूसरे के लिए ताली बजाएं कि आप लोगों ने संकल्प लिया है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत ही, चुनाव आयोग के तहत, चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसी के तहत ही आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे। इंडिया का सवाल में आप सबने शिरकत की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जी हां, जाते जाते इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी, एक जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी जिसमें उन्होंने गुजारिश की थी
कि अगर चुनाव आगे बढ़ा दिए जाएं तो बेहतर होगा। कोरोना से सबको डर लगता है, संसद से सड़क तक, सचिवालय से सुप्रीम कोर्ट तक, सभी इसका दंश झेल रहे हैं। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।